जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों आज हम आपके दिल से एक बहुत बड़ा डाउट क्लियर करने वाले हैं, असम राइफल और असम रेजिमेंट दोनों के भीतर क्या अंतर है। पूरा पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी दूसरा वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले इन दोनों फोर्सेस के बेसिक डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। देखिए असम राइफल जो है वो एक पैरामिलिट्री फोर्स है, जैसे कि CRPA, BSF, ITBP होता है उसी तरीके से। वहीं पर असम रेजिमेंट एक इंडियन आर्मी का इन्फेंट्री रेजिमेंट है, जैसे कि सिख रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, इस तरीके से। कंट्रोल्स में भी दोनों में बेसिक डिफरेंस है। असम राइफल का कंट्रोल दो मिनिस्ट्री के पास में है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसका ऑपरेशनल कंट्रोल डिफेंस मिनिस्ट्री के पास में है, वहीं पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होम मिनिस्ट्री के पास में है। इसके बारे में डिटेल में हम आगे बात करेंगे। असम राइफल का साइज भी असम रेजिमेंट से बहुत बड़ा है, लगभग 65,000 सोल्जर्स को लेकर के असम राइफल बना हुआ है। दूसरी तरफ असम रेजिमेंट इंडियन आर्मी का एक पार्ट है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। कुल मिलाकर 25 बटालियन इस रेजिमेंट में मौजूद है। अब इन दोनों का काम किस तरीके से अलग है वो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए असम राइफल्स का अगर प्राइमरी ड्यूटी की बात करें तो ये पीस टाइम में इंडो म्यांमार बॉर्डर की सुरक्षा करता है, बॉर्डर पेट्रोलिंग करता है, किसी भी तरीके से कोई इलीगल सामान को स्मगलिंग बॉर्डर पार करके ना हो, कोई इलीगल आदमी बॉर्डर क्रॉस ना कर सके, सभी को इंश्योर करता है असम राइफल। साथ में क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है तो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस भी कंडक्ट किए जाते हैं असम राइफल्स के द्वारा। ये इंटरनल सिक्योरिटी का भी ध्यान रखता है नॉर्थ ईस्ट एरिया पर, इसीलिए असम राइफल्स को फ्रेंड्स ऑफ हिल पीपल भी कहा जाता है। नॉर्थ ईस्ट एरिया जो कि पूरा पहाड़ी इलाका है उसी का एक स्टेट है असम, वहीं से निकला है ये असम राइफल्स। असम राइफल्स की बहादुरी का अंदाजा आप इससे लगा सकते हो कि इसमें 4 अशोक चक्र, 33 कीर्ति चक्र, 5 वीर चक्र और 127 शौर्य चक्र विजेता मौजूद है। अब बात करते हैं असम रेजिमेंट के बारे में। देखिए असम रेजिमेंट इंडियन आर्मी का एक रेजिमेंट है जो नॉर्थ ईस्ट के सोल्जर्स को लेकर के बना है। नॉर्थ ईस्ट से ही यहाँ पर रिक्रूटमेंट की जाती है सोल्जर्स की। ये इंडियन आर्मी के दूसरे इन्फेंट्री रेजिमेंट की तरह ही काम करता है। इनका मेन काम है युद्ध करना, जंगे मैदान में वॉरफेयर करना। जब दूसरे देशों के साथ में जंगे मैदान में आमना सामना होगा तब असम राइफल को भेजा जाएगा दूसरे इन्फेंट्री रेजिमेंट की तरह ही। जैसे माउंटेन वॉरफेयर में ये लोग हाईली ट्रेंड होते हैं, पहाड़ी इलाके के बंदे होते हैं तो माउंटेन में बहुत ज्यादा पकड़ होता है, इसीलिए 1947, 62, 65, 71 और 1999 के कारगिल के ऑपरेशन विजय में भी, यहां तक कि सन 2002 में ऑपरेशन पराक्रम में भी असम रेजिमेंट का ही योगदान था। इसीलिए कि वीरता के लिस्ट में 2 महावीर चक्र, 5 वीर चक्र, 19 शौर्य चक्र और 51 सेना मेडल विजेता मौजूद है। असम राइफल्स और असम रेजिमेंट दोनों की ही ट्रेनिंग की अगर बात करें तो ट्रेनिंग में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। देखिए किसी भी फोर्सेस की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर अंधाधुंध ट्रेनिंग नहीं होता है, सिचुएशन बेस्ड ट्रेनिंग होता है। यानी कि उस फोर्स को जिस सिचुएशन के लिए बनाया गया है उस सिचुएशन में ऑपरेट करने के लिए उन्हें ट्रेन किया जाता है। जैसे कि असम राइफल जैसे एक पैरामिलिट्री फोर्स है और पीस टाइम में ऑपरेट करते हैं तो इन्हें लॉ एंड ऑर्डर, क्विक कॉम्बैट, अनआर्म्ड कॉम्बैट, वेपन फायरिंग, फिजिकल फिटनेस और लोकल पीपल स्किल में बहुत ज्यादा ट्रेन किया जाता है, क्योंकि इनका काम दुश्मनों के सामने घुस करके धड़धड़ा के उसे फायर करके उड़ाना नहीं है। जैसे इंडियन आर्मी के दूसरे इन्फेंट्री रेजिमेंट करता है कि जंगे मैदान में दुश्मनों के साथ में आमना सामना हुआ तो धड़धड़ा कर गोली चला रहे हैं, मिसाइल फायर कर रहे हैं, ये काम असम राइफल का नहीं है। दूसरी तरफ असम रेजिमेंट की ट्रेनिंग टोटली डिफरेंट होता है, वो इंडियन आर्मी के दूसरे इन्फेंट्री रेजिमेंट की तरह ही इन्हें ट्रेन किया जाता है। इन्हें माउंटेन वॉरफेयर, जंगल वॉरफेयर, घातक प्लाटून के लिए घातक ट्रेनिंग, वेपन फायरिंग और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जैसी चीजों को फायर करने के लिए भी इन्हें ट्रेन किया जाता है और फिजिकल फिटनेस इनमें इंक्लूडेड होता है। दोनों ही फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट में भी बहुत ज्यादा फर्क होता है। असम राइफल्स का डिप्लॉयमेंट परमानेंटली नॉर्थ ईस्ट में होता है, वो फिक्स्ड होता है। जैसे BSF का इंडो पाकिस्तान बॉर्डर में डिप्लॉयमेंट फिक्स है, ITBP का टिबेटन बॉर्डर में डिप्लॉयमेंट फिक्स है, उसी तरीके से। लेकिन असम रेजिमेंट के लिए इंडियन आर्मी को जहां पर उसकी जरूरत महसूस होगी वहीं पर असम रेजिमेंट को भेजा जाएगा और उनके सोल्जर्स की पोस्टिंग पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी हो सकता है। दोनों ही फोर्सेस में चैलेंजेस की अगर बात करें तो चैलेंजेस दोनों ही फोर्सेस में बहुत ज्यादा है, लेकिन असम रेजिमेंट क्योंकि वो इंडियन आर्मी का हिस्सा है तो वॉर फील्ड में जब दुश्मनों के साथ में, दूसरे देशों के दुश्मनों के साथ में आमने सामने लड़ाई होती है तो उस वक्त पर उनका रिस्क और चैलेंजेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक पीस टाइम सिचुएशन और एक वॉर टाइम सिचुएशन दोनों बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं। अब वीडियो की शुरुआत में ही जैसे मैंने कहा था कि असम राइफल्स डुअल सिस्टम कंट्रोल के तहत काम करता है, अब इसको थोड़ा सा क्लेरिफाई कर देते हैं। असम राइफल का ऑपरेशनल कमांड डिफेंस मिनिस्ट्री तथा इंडियन आर्मी के पास में है कि ये फोर्स कब कहां कैसे ऑपरेट करेगी, प्लानिंग किस तरीके से होगा, ये सभी इंडियन आर्मी से ही डिसाइड किया जाता है। इंडियन आर्मी से कर्नल रैंक के ऑफिसर असम राइफल में 3 साल के डेपुटेशन पर जाते हैं। वहां पर जाने के बाद वो असम राइफल के सोल्जर्स को कमांड करते हैं, ऑपरेट करते हैं। मैं नाम ले लेता हूं दो, कर्नल राजीव भरवान, कर्नल विशाल दुबे साहब, दोनों ही असम राइफल में
में 3-3 साल के डेपुटेशन पर रह चुके हैं। उनके चेस्ट पर आपको आसाम राइफल का बैज भी दिख जाएगा। ये तो हो गया ऑपरेशनल कमांड, लेकिन दूसरी तरफ आसाम राइफल का जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, जैसे कि रिक्रूटमेंट, सैलरी, पर्क्स, प्रमोशंस, रिटायरमेंट पॉलिसी, ये होम मिनिस्ट्री के अंडर में तथा CAPF रूल के अंडर में ही किया जाता है। दोनों ही फोर्सेज में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका तरीका भी अलग अलग है। अगर आप आसाम राइफल में ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको CAPF फोर्सेज के थ्रू आसाम राइफल ज्वाइन करना पड़ेगा, और अगर आप आसाम रेजिमेंट ज्वाइन करना चाहते हो फिर आपको इंडियन आर्मी के रिक्रूटमेंट के थ्रू आसाम रेजिमेंट ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ पूरा जो पॉइंट टू पॉइंट बातें हैं वो क्लियर हो चुके हैं। अगर आपको इसके अलावा भी कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हो, हम उसका आंसर देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और इसी तरह की डिफेंस रिलेटेड वीडियोस आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।